गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक्सनेस के ऊपर अकाउंट किस तरह बनाया जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था एक्सनेस क्या है, एक्सनेस क्या काम करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सनेस के ऊपर हम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स हम जानने की कोशिश करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं जनाब। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू PolicyStart.com। ओके जी, अभी आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन भी आपको साथ नजर आ रही है। सबसे पहले हमने वेबसाइट ओपन करनी है forexustad.com, जो जहां से आप ये लर्न कर रहे हैं सारा कुछ। यहां पे आपको ब्रोकर्स के बैनर नजर आ रहे हैं। अगर आप यहां पे देखें तो हमने एक टैब भी बना रखा है अलग से, विच इज ब्रोकर। तो ब्रोकर के टैब पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ब्रोकर की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उसका पूरा रिव्यू मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम आज एक्सनेस की बात करने जा रहे हैं तो एक्सनेस का ब्रोकर का रिव्यू यहां से मिलेगा आपको। एक्सनेस के ब्रोकर के रिलेटेड जो न्यूज आती है वो यहां से मिलेगी। एक्सनेस के लिए कोई प्रमोशन आती है तो वो आपको यहां से नजर आएगी। और अगर एक्सनेस की ट्रेनिंग चाहिए, जो के अकाउंट कैसे बनाते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं और एक्सनेस की वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो आज हम ट्रेनिंग का एक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जिनके एक्सनेस के अकाउंट कैसे ओपन करना है। सबसे पहले हम एक्सनेस की वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे ऊपर बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करके अकाउंट बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बैनर का इस्तेमाल करूंगा। अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग में हैं तो आप यहाँ पे विजिट एक्सनेस के ऊपर क्लिक करके भी अकाउंट बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बैनर के ऊपर क्लिक करने जा रहे हैं, तो आई जस्ट क्लिक ऑन बैनर। जैसे ही मैंने इस बैनर के ऊपर क्लिक किया तो हमें एक्सनेस की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको जो चीज नजर आ रही है, सिंपल एक फॉर्म नजर आ रहा है जहां पे हमने अपनी कंट्री या रीजन सेलेक्ट करना है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान। जैसे मैंने पाकिस्तान लिखा इंग्लिश में और उर्दू में, दोनों लैंग्वेज में पाकिस्तान लिखा आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आप बड़े केयरफुली लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी पेस्ट कर दी है। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। याद रखें, ये पासवर्ड आपका एक्सनेस के वेबसाइट के अंदर जो पर्सनल एरिया बनने जा रहा है उसका पासवर्ड है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड नहीं है, ये पर्सनल एरिया का पासवर्ड है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उन्होंने कहा 8 से लेके 15 डिजिट का इस्तेमाल करें पासवर्ड बनाते वक्त, और एक वर्ड बड़ा लिखना है और बाकी छोटे लिख रहे हैं। आप कुछ न्यूमेरिकल और कुछ इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करें। और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे क्लियर लिखा है डू नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स। सो बहुत ज्यादा लोगों को ये मसला आ रहा होता है जब वाइल्ड क्रिएटिंग अकाउंट, उनसे वो पासवर्ड सेट नहीं हो पा रहा। तो इट्स वेरी सिंपल। ओके जी, यहाँ पे टिक लगाना आपका बहुत लाजमी है। तो यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ कि मैंने जी आपकी सारी टर्म एंड कंडीशन से एग्री हूं। ओके, एक छोटी सी प्रोसेसिंग होगी, हम वेबसाइट के अंदर शामिल हो चुके हैं एंड यहां पे हमने अपना पासवर्ड अगर आप सेव करना चाहे कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। नोटिफिकेशन अलाउ करना चाहे कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। एंड यहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस आ गई हैं। एक तो हम अपना डेमो अकाउंट क्रिएट करें, दूसरा हम अपना रियल अकाउंट ओपन करें। सो इन केस में आपको डेमो अकाउंट सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि डेमो अकाउंट तो रियल अकाउंट के अंदर भी आप ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना रियल अकाउंट क्रिएट करें। अभी आपने पैसे डिपॉजिट नहीं करने, अभी आपने सिर्फ टेस्ट करना है या डेमो अकाउंट बनाना है, फिर भी आप रियल अकाउंट ही क्रिएट करेंगे। उसकी वजह क्या है, मैं आगे चल के आपको बताता हूं। इसके अंदर विड्रॉ भी हो जाएगा, डिपॉजिट भी हो जाएगा, फुल एक्सेस है सारे टर्मिनल्स की। यहाँ पे सारा कुछ वर्चुअल है और फेक है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो मैं क्लिक करता हूं जी ओपन रियल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये एक और वेबसाइट की तरफ मुझे रिडायरेक्ट कर दिया गया है, जो कि वेबसाइट का मेरा पर्सनल एरिया जहां पे मेरा बनेगा, myexcess.global।
यहाँ पे वो मुझे रिडक्ट कर दिया उन्होंने कि आप सबसे पहले तो जो ईमेल हमें प्रोवाइड किए वो वेरीफाई करें, तो मैं इस सेंड कोड पे क्लिक करता हूँ ताकि वो हमारी ईमेल वेरीफाई हो जाए। और यहाँ पे मुझे ईमेल आ चुकी होगी, वेरी गुड, ये ईमेल का कोड है जी। जस्ट सिंपल मैंने ईमेल का कोड यहाँ से कॉपी करना है एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, सिंपल, एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ओके जी, यहाँ पे ईमेल हमारी वेरीफाइड हो चुकी है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है हमें कि आप अपना मोबाइल वेरीफाई करें, तो आपका जो भी नंबर है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। मैं यहाँ पे एक नंबर डाल रहा हूँ और इस पे SMS कोड सेंड करने की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। ओके जी, अब हमारे मोबाइल पे कोड आ चुका है, मैं मोबाइल को देखता हूँ, आपको भी मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये देखें जी, ये कोड हमें वसूल हुआ है और इस कोड को हमने यहाँ पे एंटर करना है 78 एंड हियर वी गो। पहले हमारा ईमेल कंफर्म हो गया था, अब हमारा मोबाइल भी फोन कंफर्म हो गया। अब मेरी कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी जा रही हैं जी। यहाँ पे मेरा नाम है जी, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने नाम पे बना रहा हूँ तो राहील नवाज। ओके जी, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना था, लास्ट नेम नहीं लिखना था, दैट्स माई मिस्टेक। यहाँ पे राहील लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा नवाज। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ एंटर करेंगे, अपनी जो सही डेट है। ओके जी, यहाँ पे आप अपना एड्रेस एंटर करेंगे, ये वो एड्रेस आप यहाँ पे एंटर करेंगे जो आपके NIC पे लिखा हो और किसी बिल या बैंक की स्टेटमेंट पे लिखा हो। ये बात याद रखिएगा, आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या आप अपना बिल अपलोड कर दें या आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट अपलोड कर दें। अब अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अपना NIC अपलोड करते हैं तो आपके बिल या जो बैंक की स्टेटमेंट है उसके ऊपर सेम एड्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके जी, अब वो कह रहा है जी ऑल सेट। अब हमने जो अपना ईमेल, मोबाइल नंबर और पर्सनल इंफॉर्मेशन दी है उससे हम यू कैन डिपॉजिट अप टू $2,000 कर सकते हैं हम, और उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है जी। और या फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हम कंप्लीट वेरिफिकेशन करवाएं अगर हम बड़ा अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो मैं कंप्लीट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा और आपको मजीद डिटेल बताऊंगा अगली वीडियो में। लेकिन यहाँ पे आप जस्ट डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। डिपॉजिट एंड विड्रा का भी हम अगली वीडियो में लर्न करेंगे कि डिपॉजिट कैसे होता है, विड्रा कैसे होता है। और ये जो लॉक लगे हुए हैं यहाँ पे देखें, एक लॉक से बटन आ रही है, ये लॉक क्यों है, ये लॉक अनलॉक कैसे होंगे, ये बैंक कार्ड से भी हम कर सकते हैं। ये लॉक तब अनलॉक होंगे जब हम अपने अकाउंट को वेरीफाइड करवाएंगे। और हम अपने अकाउंट को वेरीफाइड करवाने के लिए अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। अगली वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि अपने अकाउंट को हमने फुली वेरीफाइड कैसे करना है। लेकिन अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई, जाना नहीं, रुके। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हमारा एक रियल अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। ओके जी, इसकी डिटेल हमें सारी की सारी यहाँ पे सेंड कर की जा चुकी है कि ये आपका थैंक यू जी, आपने एक्सेस को ज्वाइन किया, फलाना 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 एंड डियर क्लाइंट, एंड वहां पे आपकी ईमेल और पर्सनल कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है जी। तो ये आपको बता रहे हैं जी, थैंक यू, आपका पर्सनल एरिया क्रिएट हो चुका है। याद रखिएगा मेरी बात, ये सिर्फ हमारा पर्सनल एरिया है जिसके अंदर हम जितने मर्जी, अच्छा एक रियल की ऑप्शन है और एक डेमो की ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे अभी अपना डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और जो कि $1,000 का, $10,000 का उन्होंने ऑटोमेटिकली ओपन कर भी दिया। ये भी मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ कि डेमो अकाउंट कैसे ओपन करना है एंड रियल अकाउंट कैसे ओपन करना है। मुझे आप अपनी दो में याद रखें, अगली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको अकाउंट को वेरीफाई करना, डेमो अकाउंट ओपन करना, रियल अकाउंट ओपन करना और उसको MT4 में लॉग इन करना सिखाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।